साथियों, आज जो लोग मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जब उन्हें आपकी सेवा का मौका मिला तो उन्होंने अपने लिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। मैं गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, 5 साल से देश का प्रधानमंत्री हो, और मेरा बही खाता खुली किताब देश के सामने है। कौन गरीबों के लिए जीता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने मौजूद है। साथियों, जब इन्हें मौका मिला तो इन लोगों ने अपने लिए, और ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, अपने लिए लाखों करोड़ों के बंगले बना लिए। बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? परिवार के सबके लोगों के लिए बनाए कि नहीं बनाए? सबके पास महंगी से महंगी गाड़ियां है कि नहीं है? उनसे ज्यादा मुझे सत्ता पर रहने का अवसर मिला है। मेरे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, तो मैंने क्या किया? मैंने मेरा बंगलो नहीं बनाया, नहीं मैंने मेरे परिवार का, मैंने इस सेवा का उपयोग 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए। जब इन्हें लोगों को मौका मिला तो लोगों ने कोयला घोटाला कर दिया। जब मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैंने 7 करोड़ गरीब माताओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई और मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया। जब इन लोगों को मौका मिला तो इन लोगों ने बिजली में भी घोटाला कर दिया। जब उनको मौका मिला बिजली में घोटाला कर दिया, और मुझे सेवा का अवसर मिला तो 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों में मुफ्त में बिजली देने का काम मैंने पूरा किया। जब इन लोगों को मौका मिला तो एनआरएचएम में घोटाला कर दिया, एम्बुलेंस में घोटाला कर दिया। जब मुझे सेवा करने का अवसर मिला तो हर गरीब को साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा वाली आयुष्मान भारत योजना लेकर के। साथियों, जब इन लोगों की सरकार थी तो गरीब के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे, तो बैंक में गरीब तो जाने से भी डरता था। जब मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैंने 34 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक के खाते खुलवाए, बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। आज गरीबों के उन्हीं बैंक खातों में 1 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने जमा किया हुआ है। भाइयों, पहले यही पैसे उनके इधर उधर चले जाते थे, खर्च हो जाते थे और गरीबी कहीं वहीं पर रह जाता था। भाइयों और बहनों, ये वही लोग हैं जो आज भी ये जो सपा बसपा कांग्रेस महामिलावटी पूरे देश के ये सारी जमात आधार कार्ड का विरोध कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक गई, जितने अड़ंगे डाल सकते हैं डाले,
पार्लियामेंट में जितनी रुकावट कर रही थी कि भाइयों बहनों में अड़ा रहा, क्योंकि आधार कार्ड मेरे गरीब के लिए अधिकार का एक बहुत बड़ा औजार है। भाइयों बहनों, मैंने क्या किया, उन्होंने आधार कार्ड को ठुकराने का, रोकने का प्रयास किया, जबकि इसी आधार कार्ड जनधन खाते और आपके मोबाइल को जोड़कर हमारी सरकार ने 8 करोड़ बिचौलिए, 8 करोड़ फर्जी, गरीबों को लूटने वाले ऐसी सारी जमात को मैंने एक झटके में निकाल दिया। उनके नाम हट गए, उनका कारोबार हट गया, उनकी दलाली हट गई। इन्हीं फर्जी नामों की मदद से बिचौलिए गरीबों को मिलने वाली सीधी रकम हड़प कर जाते थे। साथियों, गरीब को गंदगी में रहने का शौक नहीं होता, वो उसकी मजबूरी होती है। लेकिन इन महामिलावटी लोगों ने गरीब को स्वच्छ वातावरण देने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, खुद फावड़ा झाड़ू लेकर के निकल पड़ा, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए, और इसी का नतीजा है कि देश में गंदगी से होने वाली तमाम बीमारियां कम हुई है, लाखों गरीबों का जीवन बचा है। भाइयों और बहनों, वंशवाद की बेल पकड़कर ये लोग इतना ऊपर चढ़ चुके हैं कि गरीब को तुच्छ मानते हैं, गंदगी साफ करने वालों को तुच्छ मानते हैं, वहीं गरीबी से पैदा हुआ, गरीब में पला, गरीबी में बड़ा, गरीबों के आशीर्वाद से। उसने कुंभ के मेले में गरीबों का पैर धोकर सफाई कर्मचारी का पैर धोकर खुद धन्यता धन्य हो गया मैं।